जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी एक न्यू सब्जेक्ट से लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा और ये है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे जो कि बिल्कुल ही फ्री है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में हमें सभी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मिलती है, कहाँ पे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तटीय क्षेत्र हैं, मरुस्थल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए हम इसे चार भागों में बांट देते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या पढ़ना है और किस में हमें क्या अध्ययन करना होता है। ठीक है, जिससे कि हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है और हमारे माइंड में फोटोकॉपी के माध्यम से जिस प्रकार से फोटोकॉपी होती है उसी प्रकार से ये हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाती है और काफ़ी अच्छी तरीका से हम समझ जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल में हमें पढ़ना क्या होता है, ये क्लास वन है। ठीक है, पहला टॉपिक है। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी, अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इसे चार भागों में हम लोग बांटते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसे हम लोग खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं हमारे YouTube के माध्यम से तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताए हैं, जिसमें कि ब्रह्मांड, तारा, अंतरिक्ष, ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, पुच्छल तारा, ये सभी के बारे में बताए हैं हम। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलते हैं साधु कि हम तुम्हारा भविष्य देख करके बता सकते हैं, है ना, किसमें कौन सा काल आता है, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा समय चल रहा है, राहु क्या होते हैं, केतु क्या होते हैं, इन सभी के बारे में एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद आते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी जिसे हम लोग भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, भूमि के अंदर के बारे में जानते हैं, यानी भूमि के अंदर में क्या हलचल हो रही है, भूकंप क्या होते हैं, भूकंप पैदा क्यों होते हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और चौथा में आता है ज्योग्राफी जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, यानी कि भूमि के बारे में पढ़ते हैं, पर्वत, मैदान, पठार, यानी जो भूमि के ऊपर में है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। इस ये सभी जो हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एवं जियोलॉजी के बारे में हम बता चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी, एक न्यू सब्जेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, इसमें अगर आप न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या होता है और कहाँ से हम मतलब शुरू करें इसी पढ़ाई। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम कहाँ से पढ़ते हैं, भारत के बारे में जानते हैं। ये रफली मैप्स हैं इंडिया के। ठीक है, ये भारत के क्या हैं, रफली मैप्स हैं, हमने बना दिया है। ठीक, ऊपर में तो पता है आपको, ऊपर में जो है ये क्या है, पर्वतीय माला है, हिमालय है, सबसे बड़ा महान पर्वत है, उत्तर का विशाल पर्वतीय माला, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर में जो है इस क्षेत्र में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, तो हम ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी भारत के ऊपरी क्षेत्र में क्या है, विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसके अगर नीचे की हम लोग बात करें, यानी इस क्षेत्र में, तो जब हम लोग ये भारत के नीचे आते हैं यानी मध्य में आते हैं, तो ये उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। ये मैदान है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो ये उत्तर में ही है ना, ये काफ़ी बड़े मैदान है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु का मैदान, सिंधु सागर का मैदान, उसके बाद गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, हम इसी में पढ़ते हैं। जब हम लोग मैदान चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, नीचे में मैदान है। ठीक है, और नीचे में जो है विशाल ये पठारी क्षेत्र है। पठार क्या है भारत में, नीचे में पठार है। ठीक है, पठार है जिसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं, ये काफी विशाल है। ठीक है, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी, क्या पठार में पाए जाएंगे या पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो सबसे अधिक तो पाई जाएगी मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, है ना, ना ही खेती करने में, ना ही और कोई चीज़ में, ना ही रहने में, ना ही यातायात में, सभी चीज़ में मैदानी क्षेत्र में ये कारगर होती है। ठीक है, यूपी बिहार की अगर बात करें तो यहीं पर यूपी बिहार है।
जो कि जनसंख्या के नाम पे तो मतलब काफी अधिक ही है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है पूरे भारत में अगर बात करें, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं। मैदानी से ये माइंड में नहीं रखिएगा कि मैदानी का मतलब होता है कि जहां पे खेती ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां खेती नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र का मतलब हुआ कि जहां का भूमि जो है वे समतल है, सपाट है, ठीक है, उठी हुई नहीं है। और ये जो भूमि है, ये पठार जो है, ये 1000 मीटर से ऊंची हुई है और सपाट है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम पठारी क्षेत्र में रखते हैं। और पर्वत में तो मतलब कोना निकला हुआ है, 1000 मीटर से तो ऊंच ऊपर ही है। और हिमालय की बात करें तो ये 1000 मीटर है, ये 9000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो यहीं पे है, ठीक है, 8850 मीटर। जब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, तब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर माइंड में दोहरा लीजिए, भारत का सबसे ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में सबसे क्या है, ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र है, इसके नीचे में मैदानी क्षेत्र है, और सबसे नीचे में अगर बात करें तो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और इस साइड में अगर बात करें, इस साइड में क्या है और इस साइड में क्या है, तो ये तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र। चौथा में हमें पढ़ना है तटीय क्षेत्र। और ये हुआ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और ये हुआ लक्षद्वीप, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र है। और चौथे में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5वें में आते हैं द्वीप के बारे में हमें अध्ययन करना है। क्या चीज के बारे में? द्वीप के बारे में, ठीक है। द्वीप और मरुस्थल के बारे में भी तो हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम राजस्थान में मरुस्थल जो है, जैसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। पहला में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तटीय क्षेत्र के बारे में चौथा में, और पांचवें में द्वीप है, जो यहाँ पे द्वीप है, अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी में कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। अभी हम लोग इसके डीप में नहीं गए हैं, अंदर नहीं गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर्वत की। जो ये हिमालय पर्वत है, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय है, ये जो है आज से नहीं बनना शुरू हुआ है, ये 11 करोड़ साल पहले से ही ये मतलब इसका निर्माण हो गया था, और अभी भी ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। कुछ साल पहले जो है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8848 मीटर था, लेकिन ये बढ़ करके 8850 मीटर हो गया है। कुछ दिन में यानी कुछ साल में, 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, 852 मीटर हो जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? तो चलिए यहां पे हम लोग समझते हैं। ये मिटा दे रहे हैं पर्वत, ये उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। हम लैंग्वेज बना करके भी बोल सकते हैं, और माइंड में सेट करने के लिए छोटे छोटे वर्ड से ही माइंड में बैठाएं, और अगर लैंग्वेज बनानी हो तो अपने से बनाएं, ठीक है। ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में हमने इससे पहले वाले वीडियो में और इससे पहले जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाए हैं वर्ल्ड मैप्स में, आपको बताए थे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में, महाद्वीप महाद्वीप एवं महासागर के बारे में। उसमें बताए थे कि किस प्रकार से कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो हैं, ये जितने भी महाद्वीप एवं महासागर हैं, ये एक में ही जुड़े हुए थे, एक में ही आपस में जकड़े हुए थे, ये आपस में खंडित नहीं था, टूटा हुआ नहीं था। हम यहाँ बता रहे हैं, आज से 20 करोड़ साल पहले जितने भी देश एवं महाद्वीप हैं, एक में ही जुड़ा हुआ था, जिसे हम लोग पैंजिया कहते हैं। और अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, पैंजिया दो भागों में टूटा हुआ है, जिसे ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। अभी टूट टूट करके अलग हो गया है, ठीक है। वे सभी एक में ही था, एक में था, जिससे कि अर्थ का जो ऊपरी भाग था, इसे हम लोग कहते थे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और नीचे वाले को कहते थे हम लोग, था, इसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना। ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना। अंगारा लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉरेशिया। क्या चीज के नाम से? लॉरेशिया, ठीक है। और गोंडवाना को भी एक और नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम से। ये आपस में ही जुड़े हुए थे और ये जो है ये खंडित नहीं हुआ था। तो कुछ सालों के बाद यानी कुछ करोड़ सालों के बाद ये हुआ क्या, और ये बीच में जो है, बीच में
और इस सब साइड में जो है इस सब साइड तो पूरा जलमग्न था, इसे हम लोग पैंथलासा कहते थे। ऊपर वाले अंगारा लैंड जिसे हम लोग लॉरेशिया भी कहते हैं और नीचे वाले गोंडवाना लैंड जिसे हम लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो है ये सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर कैसी सागर? टेथिस सागर। करोड़ों साल के बाद क्या हुआ, इसमें टूटना शुरू हो गया, नीचे में जो मैग्मा है हलचल करने लगा जिसके माध्यम से ये जो महाद्वीप है टूटना शुरू हो गया और ये टूट टूट करके खिसक खिसक के खिसक खिसक के इधर आने लगा और ये यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। यूरेशिया प्लेट से जा टकराने के फलस्वरूप हुआ क्या कि अगर कोई भी चीज एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा कि जो कमजोर रहेगा वो नीचे दब जाएगा, सॉरी जो भारी रहेगा वो नीचे दब जाता है क्योंकि जो भारी है वो नीचे दब जाएगा और जो हल्का है वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रकार से उठ करके ये कोना बना लिया जिससे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का। यहीं से बना है ये हिमालय। हिमालय क्या चीज बना है? हिमालय, जो ये काफी मतलब बड़ा है, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय माला है, ठीक है। हिमालय, हिमालय के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम लोग समझ लिए कि किस प्रकार से ये जो है जो पहले महाद्वीप था एवं महासागर था ये किस प्रकार से एक दूसरे से जकड़ा हुआ था, एक दूसरे से यानी एक दूसरे में ही मतलब जुड़ा हुआ था और किस प्रकार से ये टूट टूट करके अलग हो गया। उम्मीद है कि आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझे होंगे। ये भारत के बारे में जो हमने बताया कि ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ते हैं और उसके नीचे के क्षेत्र को मैदानीय क्षेत्र में और इसके नीचे वाले जो क्षेत्र हैं यानी दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो पठारीय क्षेत्र में और उसके साइड वाले जो क्षेत्र हैं ये तटीय क्षेत्र में यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र में और ये पश्चिम तटीय क्षेत्र में, ठीक है। और ये द्वीप हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।